किस्मत ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी हमेशा ख़राब रही है। दो बार वर्ल्ड डिलीट होने के बाद मैंने ये तीसरा वर्ल्ड बनाया, लेकिन तीसरे वर्ल्ड में वर्ल्ड डिलीट हुआ नहीं, उससे बुरी चीज़ हुई। मेरे सारे वीडियो करप्ट हो गए और मेरे 7 से 8 वीडियो करप्ट हुए, लगभग 7 से 8, जिसमें मैंने ये घर की पूरी डेकोरेशन की एक वीडियो के अंदर मैंने क्या किया था, हाँ, पिलेजर्स को मारा, जिसके कारण मेरे को बहुत सारे लूट्स मिले, बहुत बढ़िया वाली। एक वीडियो में मैंने ये अपना सस्ता चिकन फार्म बनाया, और एक वीडियो में मैंने एंडर ड्रैगन को मारा, एक वीडियो में मैंने विदर को मारा, लेकिन कुछ वीडियोस है जो बच गए हैं। जैसे मैंने कुछ वीडियोस जिसको ज़्यादा अच्छी एडिटिंग चाहिए, जो मेन वीडियोस थे वो मैंने बचा के रखे थे, मतलब अलग फोल्डर में रखे थे, और जो वो वीडियोस है वो बच गए, मतलब 2 से 3 ही वीडियोस बचे हैं, बाकी सारे करप्ट हो चुके हैं। मतलब मैं अपने कंप्यूटर में 2 फोल्डर्स रखता हूँ, एक फोल्डर जिसमें जो मैं नॉर्मल रिकॉर्ड करता हूँ, हाँ, और एक इसमें जिसमें मेरे को अच्छी एडिटिंग करनी होती है, मतलब जिसमें मेरे को बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया वीडियो जो लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया वीडियो, तो उसकी एडिटिंग मैं ज़्यादा खास तरीके से करता हूँ। तो वो वीडियोस मैंने जो बच गए वो वीडियोस वो वाले वही है। तो 3 वीडियोस है जो मेरे पास बचे पड़े, जिसमें एक में मैंने एंडर ड्रैगन को मारा, एक में मैंने विदर को मारा है, और एक में मैंने ये 6 विदर मारे, मतलब 6 विदर के लिए मेरे को ये बनाने के लिए चाहिए थे 6 विदर, एक नेदर स्टार से एक बीकन बनता है, और एक नेदर स्टार बनता है एक विदर को मारने से, और मैंने 6 विदर मारे, वो भी रियलिटी में, और ज़्यादातर लोग तो यकीन करेंगे नहीं, तो प्रूफ के लिए मैं क्या बताऊँ, मैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, और मैंने प्रोग्रेस भी इतनी ज़्यादा की है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने चीटिंग की नहीं है, वो नहीं की है। तो इतने सारे टोटम ऑफ अंडाइन देख रहे हो। अब चलो एक चीज़ बताता हूँ, मेरे स्टैटिस्टिक मॉप के अंदर इवोकर 44 इवोकर मारे मैंने, और हर एक इवोकर से एक वो मिलता है, तो ये 5, 10, 15, 39 मैंने कितने मारे थे एक सेकंड मॉप्स में, इवोकर मैंने 44 मारे और 39 मिले मेरे को। तो कॉमन सेंस की बात है, कुछ में नहीं मिला, लेकिन और ऊपर से मेरे पास लूटिंग 3 की स्वॉर्ड है, तो इतने सारे मेरे को टोटम ऑफ अंडाइंग में खुद से ही मिले। पर रेड मतलब जितनी भी रेड होती है, एक रेड में लगभग 4 से 5 इवोकर आते हैं, और सबको मारना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि आप मेरे पे वो करोगे, ट्रस्ट करोगे कि मैं ने ये सब क्रिएटिव में नहीं किया, लेकिन पहली बात तो मेरे को क्रिएटिव में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल में एक बार हम क्रिएटिव में चले गए तो फिर बाद में जो सर्वाइवल का मजा वो चला जाता है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा सर्वाइवल सीरीज पूरी खराब हो जाए सिर्फ मेरे उसमें जाने से। तो वैसे भी मेरे को ये क्रिएटिव पसंद भी नहीं है, मैं नॉर्मली सर्वाइवल ही खेलता, और आपको यकीन नहीं हो तो मैं एक हार्डकोर गेम भी खेलता हूँ, जो मैं पर्सनली खेलता हूँ, जो यूट्यूब पे नहीं डालता। तो ये हार्डकोर वर्ल्ड, मतलब जो मैं हार्डकोर वाला खेलता हूँ, तो मेरे को हार्डकोर में भी मैंने लगभग गेम पूरा कर लिया, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस गेम को पूरा करना। तो ये देखो, ये आ रहा मेरा विलेजर का, सारे आइडियाज मेरे को अपने हार्डकोर वर्ल्ड से ही मिलते हैं, और मैंने अपने हार्डकोर वर्ल्ड में भी इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। इसमें एक ही बीकन बना पाया हूँ, क्योंकि मैं उसके बीच में मैंने अपना सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर लिया, और वो मैं ज़्यादा खेलता था। तो ये रहा मेरा सर्वाइवल सीरीज का, तो ये है मेरा हार्डकोर वर्ल्ड जो मैं खेलता हूँ, नॉर्मली खेलता था मतलब, लेकिन अब मैं ज़्यादा सर्वाइवल खेलता हूँ इसकी वजह से। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे को चीटिंग करना सबसे पहली बात पसंद नहीं है। बाकी एंडर ड्रैगन मारने वाला वीडियो और वो बाकी मारने वाले वीडियोस भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात ट्रस्ट नहीं हो तो फिर बाद में वीडियोस डालने का मजा भी नहीं, फिर आधे अधूरे रास्ते में के बाद कोई कमेंट करेगा भाई तूने क्रिएटिव यूज़ किया वो की यूज़ किया, तो मेरे को पसंद नहीं आएगा। तो वही बात है, आपका सपोर्ट चाहिए और तो कुछ नहीं। और मैं इसका सिस्टम समझा देता हूँ क्या होता है इसमें। यहाँ पर मैंने बहुत सारी मुर्गियाँ रखी है, मुर्गियों में से अंडा आता है, इसके अंदर
अंडा बाद में ये ऑब्जर्वर उसे डिटेक्ट करता है, जैसे डिटेक्ट करता है तो डिस्पेंसर से वो आगे जाता है, डिस्पेंसर में से जो भी अंडा निकलता है उसमें से जो कोई भी बच्चे निकलते हैं वो बड़े हो जाते हैं और ये मर जाते हैं, थोड़े बहुत बड़े हो जाते तो वो लावा में मर जाते हैं और यहाँ पे उनकी लाश यहाँ पे आ जाती है और वो आगे जाके मैं खा जाता हूँ। तो चलो मैं एक बार रेड करके बताता हूँ कि मेरे लिए रेड करना कितना ज़्यादा ईजी है। मतलब पहला वीडियो आपने मेरा रेड का देखा होगा जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, लेकिन रुको मेरे पास खाने की चीज़ें कम पड़ गई और ये मैंने मुर्गियों का फार्म इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास खाने की कमी होती है, ऑटोमेटिक फूड फार्म। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे लिए रेड करना कितना ज़्यादा इजी है मेरा। तो गाइस मैं अभी घर पे जा रहा हूँ वापस क्योंकि मैंने बैड ओमन वाला इफेक्ट ले लिया, अभी मेरे को फटाफट घर पे जाना पड़ेगा और मेरे पास कंपस है जो मेरा घर का रास्ता बताता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी रेड करने की सबसे ईजी टेक्निक क्या है। तो रेड करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ईजी है इस गेम में, जब तक मतलब हद से ज़्यादा इजी चीज़ है मेरे लिए रेड करना। और एक बार मैं रेड करके बता ही दूँ, कहने से मतलब नहीं। और ये रहा मेरा घर, एक बार रेड शुरू हो जाए, ये हो गई शुरू रेड। मैं नॉर्मली मैंने ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया ताकि मैं ऊपर जाके बॉस से अटैक कर सकूँ, अब मेरे को उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मैंने इलेक्ट्रा से ये नॉर्मली स्विच कर लिया और रेड शुरू हो जाएगी। पहली बात, यहाँ पे मेरे को कोई मारता भी नहीं है इस एरिया में, तो और दूसरी बात मैंने ये इसलिए लगा के रखे बेरी बुशेस ताकि ये आजू बाजू मर जाए। बाकी देखो ये वाला मेरे को कोई हमला भी नहीं कर रहा, हार्ड मोड के अंदर है गेम। और ये देखो इसे वन शॉट किल करके बताऊं यार ये हिल जाते बार बार। ये देखो वन शॉट किल सबसे ज्यादा इजी है मेरे लिए। और फिर से रेड शुरू हो गई है, मैंने कितनी सारी रेड की उसका ये निशानी है और फिर भी यकीन नहीं होता। एक बार मैं ये रेड कंप्लीट करके बताता हूँ कि मेरे लिए ये रेड करना कितना इजी है। और ये एक्स्ट्रा चीजें जो यहाँ पे आती है, इतना सारा बोन मील। और ये देखो कोई हमला नहीं कर रहा पहली बात यहाँ पे, ये कोई ग्लिच है शायद से मेरी आसपास के एरिया में। और समझो मैंने एक को यहाँ पे यहाँ से धक्का दे दिया नीचे तो ये मेरे को हमला करना शुरू हो जाएगा। तो ये है ग्लिच, पता नहीं इस एरिया में मेरे को कोई मारता क्यों नहीं। वन शॉट किल, अभी तक तो आपको यकीन हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं हो। तो ये वन शॉट और ये भी कुछ करेगा नहीं जब तक मैं इसे नीचे नहीं फेंकूंगा। पता नहीं ये कौन सा ग्लिच है लेकिन ये अभी कैसे नहीं मरेंगे। एक विलेजर रिमेनिंग, और ये देख रहे हो इधर इसमें मैंने सारी चीजें कलेक्ट करके रखी है। ये तीन चीजें तो काम आएंगी लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए। और आधे लोग इधर ही घुस जाते हैं, रात में भी करो तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मेन रेड करना मैंने शुरू कब किया, जब मेरे को पहला बीकन मिला और उसके बाद से मेरे लिए सब कुछ इजी हो गया है। मतलब मेरे को ऊपर ये सारे इफेक्ट्स देखने मिल रहे हैं, ये साइड के ये सारे इफेक्ट की मदद से। और ये देखो ये भाग रहा है, देखो भाग रहा है, लिटरली भाग रहा है, भाग रहा है। मतलब देख रहे हो गाइस कुछ शॉट्स के मेहमान है ये लोग। और एक बार इवोकर वगैरह आने दो फिर बाप में बताता हूँ कि मेरे लिए इवोकर को मारना भी कितना ज्यादा इजी। और उनके जो वैक्स बच्चू है उनको तो यार मैं गिर गया, ये जंप बूस्ट मिल गया जिसकी वजह से ये गया वन शॉट। और अभी जो भी नीचे होंगे वो मेरे को मारेंगे, जैसे कहाँ पे गया ये मेरे को मारेंगे, ये देखो ये भी मारेगा। और बोट तो मैंने इसलिए लगा रखी थी
क्योंकि मेरे को आसपास जाना पड़ता था घूम घूम के, मतलब आजू बाजू घूमना पड़ता था ताकि मेरे को कोई कोई तैर तैर के उधर चले जाते थे, और वो मेरे को ढूंढना पड़ता था बार बार, तो इसलिए बोट रखी है, बार बार कौन उड़ते हुए जाए। आ जाओ आ जाओ, मतलब हर कोई दो शॉट्स के बराबर है मेरे लिए। और नीचे कहाँ जा रहे भाई, गधों जैसे नीचे जा रहे हो। एक सेकेंड ये गिर जाएंगे, एक सेकेंड, मेरे को हेल्थ जनरेशन का दे दिया घड़ी ने। जिसलिए गाइस मैं इधर ही रहता हूँ, और मेरे लिए रेड टैकल करना मतलब सबसे इजी काम है, रेड टैकल करना मतलब। और एक गिर गया, कोई नहीं, एमरल्ड तो मेरे को साथ मिल गए, एमरल्ड तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, मतलब हर चीज अभी ओवर पावर्ड हो चुका, मतलब ये कुछ भी कर ले मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। जंप मार के मारू तो मेरे को वन शॉट के अंदर किल कर दू सबको, और बिना जंप मारे तो दो शॉट, इतना इजी हो चुका है मेरे लिए रेड ट्रिगर करना। वहां पे गई है मेरे ओमिनस बैनर, और लगाते रहूं, एक दिन ये दीवार पूरी हो जाएगी अपनी दीवार ये वाली। चलो ऊपर चल जाता हूँ, ऊपर कोई है, एक सेकेंड, ये रहा अपना, ये भाग रहा है, देख रहे हो गाइस, पहला टोटम ऑफ अनडाइंग। ये कुछ भी कर लो मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। ये भी गया, ये वैक से भी मेरे को कुछ नहीं होने वाला। आधे लोग तो ये वैक्स को ये खुद ही मार देते मेरे को मारने के चक्कर में, और कुछ वैक्स बचे। तो गाइस देख रहे हो मेरे लिए कितना इजी है इन गधों को मारना। और एमरल्ड तो देख रहे हो अभी 18 हो गए, 19, ये देखो साइड में आके बैठी है, जैसे मेरे को कुछ, देख रहे हो गाइस कितना इजी है मेरे लिए रेड करना। ये लाइन में कितनी बार बोलूंगा पता नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है ये गेम, खासकर ये जब ये नेदरराइट का मिला है मेरे को पूरा आर्मर, और इसके लिए भी मैंने पूरी एक वीडियो डेडिकेट की थी पूरा नेदरराइट, और लगभग मैंने उसके लिए 4 घंटे मैंने सिर्फ वो नेदरराइट ढूंढा था। और ये भी आपको लगेगा मैंने क्रिएटिव में किया, लेकिन कैसे यकीन दिलाओ, यकीन नहीं आता, समझ नहीं आता, बस ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। बाकी तो कौन बचा है, लगभग यहाँ पे आसपास कहीं है गाइस, एक बंदा बचा है, पता नहीं कहाँ पे है, इधर नहीं है, ओ यहाँ पे बैठा है। ये बोट भी बड़ी काम की, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारी बोट लगा ही दूं, और एमरल्ड में इधर रख दूं। कुछ एमरल्ड पानी में गिरे क्या, 19 एमरल्ड मेरे पास पहले भी थे रे। ये देखो ये गधे सारे, इधर है कोई और, कोई एमरल्ड, एक सेकेंड, अभी मेरे बोट में बैठने का टाइम आ गया है। टन मारो, ये आ गया मेरा दूसरा, क्या कहते दूसरा टोटम ऑफ अंडाइंग अभी आपके सामने। और ये भी देखो गधा बैठ गया इसमें,
बस मेरे विलेज ये भी इधर बैठ गया। देख रहे हो गाइस कितना इजी है इन गधों को मारना भी। ये देखो ये गधा, इसे मैं स्वॉर्ड से मारूंगा क्योंकि लूटिंग 3 है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और देखते ही देखते मेरे 30 एमरल्ड हो चुके हैं। यो यहाँ पे है, ये देखो। सोच रहे मेरे को इसलिए मार देंगे। ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। थर्टी टू एमरल्ड्स देख रहे हो कितना इजी। और ये वो कहा गए, दूसरे वाले कहा गए, डर के भाग गए। हेल्थ रीगेन भी कर लो बच्चों, निकलो यहाँ से। 40 एमरल्ड गाइस, और कौन बचा है? वो करवा भाग गया, जब तक मैं ये बैनर्स लगा लूं। कहाँ गए? दो दो एक और टोटम ऑफ अंडाइंग, एक चीज फेंको, उनको एक और चाहिए। एक और 4 टोटम ऑफ अंडाइंग आपके सामने मैंने हासिल कर लिए, मतलब हर एक के पास से मेरे को एक हमेशा मिल ही जाता है। और ये देखो दोनों के दोनों घर के अंदर बैठे हैं जैसे। और एक और कौन बचा है? बोर्ड से चेक करना पड़ेगा। ओ 46 एमरल्ड और ये रेड खत्म। इतना इजी है गाइस, देख रहे हो। और 4 टोटम ऑफ अंडाइंग अभी मिल गए। तो बताओ गाइस अब आपको यकीन हुआ कि नहीं? फिर भी नहीं हुआ तो अभी मैं आपको किस बात से यकीन दिलाऊं। और लेवल्स देख रहे हो 55 है, मतलब इतनी देर तक मैं मरा भी नहीं हूँ। और कहा गए मर गए सारे। वो जिंदा है, जिंदा है। एक तो जमीन में घुस जाते हैं ना, तो इनको मारना बहुत इजी है। तो गाइस अभी आपको यकीन हुआ हुआ कि नहीं? तभी भी यकीन नहीं हो कि मैंने विदर को कैसे मारा है इतना इजीली? 6 विदर मारना कोई बड़ी छोटी बात तो है नहीं। तो भी मैंने कैसे मारे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका भी वीडियो आएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी आपके सामने मैं अगले 6 विदर और मार लूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि भाई मैंने चीटिंग नहीं की है। या फिर मैं अपने पुराने वीडियो से बता दूँ जो मेरे पास बचे हुए हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताना। तो गाइस कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको यकीन हुआ कि नहीं अभी तक। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जैसा आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे सपोर्ट दिखाया वैसे और दिखाते रहो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।